मसीह खुदावंद आपकी सलामती हो नाजरीन, आज फिर से मैं मौजूद हूँ हलका NA 127 और ये पिको रोड पर जो इनका कंपेन ऑफिस है, मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। और दोबारा से मेरे साथ सीनियर रहनुमा जो कि पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, नदीम भट्टी साहब, और आज हम उनके साथ हम बैठे हैं क्योंकि कल इलेक्शन होने वाला है और सारे लोग अपने घरों से निकलेंगे। तो हमने सोचा कि पहले हम जाके इस ऑफिस में नदीम भट्टी साहब से पूछें कि एक तो ये पोलिंग के बारे में उनसे जाने कि कैसी तैयारी रही, और उसके बाद जो दूसरी बातें हैं इलेक्शन के हवाले से वो भी हम उनसे फिर पूछेंगे। नदीम साहब, पोलिंग के सर हवाले से आप जरा बताएं कि आपके जो एजेंट्स हैं उनकी तैयारी कैसी रही। मैं समझता हूँ कि सारे बड़े जोरों शोर से हम तैयारी कर रहे हैं और सारी हमारी खवातीन का ग्रुप इधर बैठा हुआ है और इधर जेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ है। कल इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, 6-7 घंटे की ट्रेनिंग थी कि पोलिंग एजेंट्स के क्या फ़रज़ होंगे, और बड़ी गहमा गहमी है। कुछ लोग ऑफिस के बाहर भी बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जोश वबला पाया जा रहा है और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी खासकर बहुत मुतहरिक है, और खुदावन करेगा कि बिलावल साहब इस हलके से बड़ी लीड सिलेक्शन जीतेंगे। हमारी तो जिम्मेदारी है कि बहार कलोनी में 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है इधर, तो सारे जो हमारे ट्रेंड याफ्ता लोग हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। जी नदीम साहब, यहाँ पे NA 127 में आप क्या सोचते हैं कि मसीहों के जो वोट है वो तकरीबन कितने हैं? मसीहों का कम से कम 80,000 वोट है, और पिछले ज़मीनी इलेक्शन में जितना वोट कास्ट हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशियो बाहर कलोनी के लोगों की थी, तो इस तरह इसी वजह से जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस हलके का इंतखाब करें, क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी इस हलके से जीते और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी इस हलके से जीती, और ये हमारे पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है, और हमारे मसीह लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को बहुत प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये बताएं कि अगर यहाँ पे 80,000 के करीब मसीहों के जो वोट हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से मतलब जीतते हैं, तो यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट का काम है, या आप सोचते हैं कि इस इलाके में कौन कौन से जो ऐसे मसाइल हैं जिनका आप बखूबी जो है करने के लिए तैयार है? इस पर मैं समझता हूँ कि काफी डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं और पार्टी की क्यादत जो है वो इसे आगाह है, क्योंकि इस हल्के में चेयरमैन साहब की कैंपेन करने के लिए पीपल्स पार्टी सेंट्रल जैक्टिक के लोग इधर आए, और उन्होंने देखा कि जब बारिश होती है तो हमें पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, सीवरेज के प्रॉब्लम है, तो इस हलके की खुशकिस्मती होगी कि बिलावल साहब इधर के इलेक्शन इधर से इलेक्शन जीतेंगे और वजीर आजम बनेंगे, और बड़ी उम्मीद है कि इस हलके के डेवलपमेंट में की तरफ से बहुत ज़्यादा काम होगा। जी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आपके जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या हम इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी तैयारी किस तरह से चल रही है? जी बिल्कुल, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ शहाबुद्दीन साहब बैठे हैं, नसीम शहाबुद्दीन, ये हमारे इंफॉर्मेशन मीडिया के इंचार्ज हैं मिनोरिटी विंग की तरफ से, आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि ये भी हल्के के मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जी वसीम साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं कल के इलेक्शन को? खुदावंद यीशु मसीह के कदूस नाम में आप तमाम सब बहनों भाइयों को मेरा सलाम। मैं मशकूर हूँ जी नेशनल चैनल का जिन्होंने ये अच्छा अरेंज किया, और नदीम भट्टी साहब की सरबराही में हम सब यहाँ मौजूद हैं। हल्का 127 जो कि पिछले इलेक्शन में 133 था, और उस दफ़ा भी हमने खुदा के फजल करम से बड़ी अच्छी लीड ली, और जो खसूसन ये जो यूसी 226 है ये इस तमाम मसीहों की यूसी है, और यहाँ के मसीहों ने अपनी वफादारियाँ निभाते हुए इस यूसी से हमने 560 वोटों की लीड से हमने इलेक्शन जीता, और ये वफादारी है मसीहियों की, क्योंकि मसीही जहाँ जिस भी जमात के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शुरू से ही वफादार हैं, आज भी वफादार हैं। रही बात यहाँ के मसाइल की, तो मसाइल यहाँ पे ये हालात हैं कि ये साथ मियां नवाज शरीफ साहब का घर है, मुस्लिम लीग नून का ये खास घराना है, सरबराह पूरे इस जमात के, और उनके होते हुए यहाँ के मसीहों के घरों में गैस नहीं है, मसीहों के घरों में बल्कि मुस्लिम जो हमारे बहन भाई हैं उनके घरों में पूरे हलके में कोई गैस का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे और बहुत सारे मामलात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, ये बुनियादी मामलात मसाइल हैं जो आज तक कभी इस हलके में हल नहीं हो सके। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मियाँ साहब, जब आपने अवाम के मसाइल को हल नहीं करना तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप इन लोगों के लीडर मुंतखब हो। NA 127 में आपने बंदा
जो अताल तारण खड़ा किया है उसका भी कोई हक नहीं कि वो यहाँ के कैंडिडेट का इलेक्शन कैंडिडेट बने या इलेक्शन लड़े। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा एजेंट मौजूद है और मैं उनसे बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही, जो भी उन्होंने किया। कोई बात करना चाहेगा यहाँ पे? जी, आपका नाम? संगीता खालिद। यहाँ पे मेरे साथ एक एजेंट हैं संगीता खालिद, और उनसे हम जानेंगे कि तैयारी कैसी रही मैडम आपकी। कल की तैयारी बहुत अच्छी रही, तकरीबन 6-7 घंटे हम बिलावल हाउस में ट्रेनिंग लेते रहे हैं और काफी अच्छा रहा हमारा और काफी इंफॉर्मेटेड था, काफी कुछ लर्न किया हमने, वोट को कैसे कास्ट करवाना है तो ये सारी डिटेल उन्होंने हमें गाइड किया, बहुत अच्छा बताया उन्होंने हमें। आप लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे कि जब जाहिर सी बात है उन्होंने आपसे एक पर्ची बनवानी है तो आप लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे? लोगों को वो बता दिया गया है कि अपने वो जो जिस भी निशान को मुंतखब करेंगे उसके अंदर स्टैम्प को अच्छे तरीके से लगाना है, ना कि इधर उधर करें, अगर वो करेंगे तो उनका वो वोट वेस्ट हो जाएगा। तो वो अपने जिधर भी आपने अपना वो करना है अपने मुंतखब निशान को तो उस निशान का ध्यान रखना और उसके अंदर ही आपका स्टैम्प होना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने ये सुनी सारी बात कि किस तरह से संगीता मैडम ने ये कहा कि हमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है, तो यहाँ पे नौजवान भी बैठे हैं जो कि पोलिंग एजेंट हैं, तो मैं उनसे भी जानूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक नौजवान हैं। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कल की जो आपकी तैयारी है वो कैसी है? कल की तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, हमें बहुत कल ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई, स्टेप वाइज सब कुछ बताया गया, कैसे कैसे लोगों को डील करना है, कैसे कैसे सबको गाइड करके किस हिसाब से वोट जब वो पोस्ट करेंगे तो कैसे कैसे इंक को सुखाना है, कैसे कैसे फोल्ड करना है, और सबको एक प्रॉपर तरीके से हमें ट्रेनिंग दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं वापस आ रहा हूँ नदीम भट्टी साहब के पास, और क्योंकि नदीम साहब आप कैनेडा से सारा है स्पेशल और इस इलेक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कल आखिरी दिन है और सब लोगों ने अपने वोट को जो है वो कास्ट करना है, तो बाहैसियत मसीही आप अपने मसीहों को कोई खास पैगाम देना चाहते हो ताकि वो घरों से निकलें और जो वोट जो है वो अपना कास्ट करें? जी, मैं अपनी सारी बरादरी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, बल्कि जो हल्का 127 के जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल निकलें, जोरों शोर से निकलें, अपना वोट कास्ट करें, ये आपका जमहूरी राइट बनता है। स्पेशली मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलावल भुट्टो को वोट दें आप और उनको कामयाब करें, और उनका 10 निकाती जो प्रोग्राम है उसको देखें, उसके लिए आपके घराने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी जो मुस्तक लोग होंगे, उसके अलावा तलीम के प्रोग्राम है और मेडिकल के प्रोग्राम है उसमें आपको सहूलतें मिलेंगी, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जोरों शोर से निकलें और बिलावल भुट्टो साहब को वोट दें और उनको कामयाब करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर पोलिंग एजेंट मैना मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कैसी रही और कल के दिन को ये किस तरह से लोगों के लिए आसान बनाएंगे। मसीह यस्सु के जलाली नाम में सब बहन भाइयों को सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यूसी 224 की नुमाइंदगी करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हम सबका ये इरादा है कि हम जो तीर का निशान है वो अपने घरों का निशान बनाएंगे और ताकि हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। कल हम सब यहाँ पे अभी एजेंट्स की जो वसी तादाद जो है हम ट्रेनिंग करके आए हैं, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हमने अपने वोट को कामयाब बनाना है, तो ये सब हमारी काविशों से होगा। आप सब ने मिलकर अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देने हैं ताकि हम पीपल्स पार्टी को अपने हल्के से विन करवा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी नाज़रीन, अभी आपने सारी बातचीत को सुना और हम उम्मीद करते हैं कल का जो दिन है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजरे और कोई भी पार्टी यहाँ से इलेक्शन जीतती है और जो भी रिजल्ट होते हैं हम आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो दिखाएंगे भी ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे NA 127 में यानी कि NA 127 में किसने लीड किया और कौन जो है वो इलेक्शन में कामयाब हुआ। तो आप देखते रहे नेशनल न्यूज नामा और हम चाहेंगे कि अगर आपके ख्यालात हैं, अगर आप अभी भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वोट के हवाले से तो जरूर नेशनल न्यूज नामा की स्क्रीन आपके सामने है, आप पूछें, आप अपनी राय का इजहार करें और हमेशा से ये बात जो आपके सामने रखी जाती है कि जरूर आप अपने घरों से निकले, अपने वोट का सही जो इस्तेमाल है उसको करें। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक पैरो को दी इजाजत। खुदा हाफिज़।